नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने नकली बीड़ी बेचने वाले नाबालिग युवक को हिरासत में लिया। पकड़ा गया युवक से पुलिस ने 30 नंबर बीड़ी और 20 से अधिक छोटी बीड़ी के बंडल जब्त किए हैं। पुलिस ने नाबालिग युवक पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल छोटी ग्वालटोली पुलिस को एक आवेदक ने शिकायत की थी कि थाना क्षेत्र में नकली बीड़ी धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग को 30 बड़े और 20 छोटे बीड़ी के बंडल के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें नाबालिग का एक साथी भागने में कामयाब हो गया। वहीं पकड़ा गया नाबालिग आरोपी पर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झांसी में एक जो इनकी डीलरशिप है भारत बीड़ी वर्क्स, जो कि कर्नाटक की मूल रूप से एक कंपनी है, भारत बीड़ी वर्क्स 30 नंबर बीड़ी, इसमें झांसी में इनकी एक फ्रेंचाइजी, तो उनके द्वारा जो डीलरशिप है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी। और एप्लीकेशन देने के बाद थाना ग्वालटोली में एप्लीकेशन दिया जाकर, तो थाना ग्वालटोली का भी फोर्स किया था, और ऐसे ही सूचना मिली थी कि सरवटे बस स्टैंड के पास नकली बीड़ी कोई सप्लाई कर रहा है। इस आधार पर थाना छोटी ग्वालटोली के और उनके जो आए हुए अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो उससे कब जैसे 10 बंडल भारत बीड़ी के 10 बंडल निकले, और उसके अलावा फिर जब उसने बताया कहाँ से लेकर आया, तो वहाँ पर भी जब वहाँ पर गए और वहाँ पर दबिश दी गई, तो वहाँ पर भी जो वीडियो के बंडलों का काफ़ी जखीरा मिला है। इस आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ थाना छोटी ग्वालटोली में कॉपीराइट एक्ट के तहत एवं धोखाधड़ी की धारा के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।